शलोम। भाई बहनों, आज भारत देश का स्वतंत्रता का दिन है और साथ साथ आज मेरा और मामा का आत्मिक जन्मदिन है। तो मैं कहीं लोगों का गवाही सुन रहा था और उनके द्वारा मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। तो मैंने सोचा आज मेरा आत्मिक जन्म का दिन है तो क्यों मेरा उद्धार का नया जन्म का गवाही क्यों नहीं दूं। ये गवाही मैंने बहुत बार दिया है, यहाँ भारत देश में जिधर जिधर मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया था और जब भी मैं बाहर गाँव गया प्रचार करने के लिए, वहाँ भी मुझे प्रभु ने वो अवसर दिया। और मैं जानता हूँ कि ये गवाही के द्वारा बहुत लोगों को प्रोत्साहन मिला और ये लोग आनंदित हुए और प्रभु को धन्यवाद दिया। तो मैंने सोचा कि ये मेरा गवाही आज मैं वीडियो के ऊपर भी रिकॉर्डिंग करेगा ताकि बहुत और लोगों को उसका फ़ायदा मिले, उसका वो एक आशीष बने और एक प्रेरणा और प्रोत्साहन मिले। तो भाई बहनों, आज हम पढ़ेंगे फिलिपी 3:1-14। हम निकालेंगे फिलिपी 3:1-14, फिलिपियंस 3:1-14। हम सब साथ में मिलके पढ़ेंगे। अतः हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बारंबार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें तुम्हारी सुरक्षा है। कुत्तों, कुकर्मियों और झूठे खतने से सावधान रहो। सच्चा खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा में उपासना करते हैं, मसीह यीशु पर गर्व करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता था। यदि किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मुझे उससे भी कहीं अधिक हो सकता है। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इजरायली जाति के बेन्यामीन गोत्र का हूँ, हिब्रानियों का हिब्रानी, कानून शास्त्र पालन की दृष्टि से फरसी हूँ, उत्साह की दृष्टि से मैं कलीसिया का सताने वाला और कानून शास्त्र की नीतिमत्वता के अनुसार निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया है। इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ जानता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और मैं मसीह में पाया जाऊँ। यह अपनी उस नीतिमत्वता से नहीं जो नियम शास्त्र से उत्पन्न होती है, परंतु उस नीतिमत्वता से जो मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, अर्थात उस नीतिमत्वता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है, जिससे कि मैं उसको
और उसके जी उठने की सामर्थ को तथा उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं भी मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं। यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी धारणा यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु यह कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ, लक्ष्य की ओर दौड़ता हूँ कि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। भाई बहनों, आज जब भी मैं मेरा सुबह का प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे भजन संहिता 65 भजन संहिता 65 का चार पढ़ेंगे। साम 65:4, क्या ही धन्य है वह जिसे तू चुनकर अपने निकट लाता है कि तेरे आंगनों में वास करे। हम तो तेरे भवन की, तेरे पवित्र मंदिर की उत्तमता से तृप्त होंगे। आज मैं ये भजन संहिता लेकर मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्यों उसने मुझे चुना है, बुलाया है और उसके करीब मुझे लाया है, ताकि मैं उसका उपस्थिति में और उसका भवन में हमेशा निवास करूं। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु का नाम से आज मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, जो अयोग्य आदमी था, जो पापी आदमी था, उसका आपने चुना और बुलाया और मुझे आपका करीब लाया और आपका उपस्थिति में जीने के लिए मुझे ये सौभाग्य दिया। आपका राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे अपने चुना है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मेरा जीवन अपने बदल दिया प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि आज ये जो मेरे गवाही जो मैं प्रकट करने वाला हूँ, उसके द्वारा बहुत लोगों का दिल को आप छुओ प्रभु, उनका दिल में एक नया उत्साह और प्रोत्साहन उनको दे दो प्रभु, ताकि उनका ही जीवन में ये उम्मीद और आशा आ सके तुझे आपके और विश्वास योग्य होने के लिए। प्रभु, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए मैं निवेदन करता हूँ। हर एक बातों में प्रभु आपकी महिमा हो, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमेन। भाई बहनों, मनुष्य का रचाने से परमेश्वर का उद्देश्य क्या है,
कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम प्रभु ने हमारा एक उद्धार का दान दिया, नया जन्म का दान दिया, हमको छुटकारा दिया ताकि हम उसका सेवक बने, उसका सेवा करने के लिए। आप जानते हैं क्या कि परमेश्वर के पास हजार लाख करोड़ मिलियंस एंड बिलियंस अरबों स्वर्गदूत है जो उसका सेवा करते हैं। तो हमको उसने जरूर उसका सेवा करने के लिए बुलाया है, लेकिन हम ये महत्वपूर्ण सच्चाई भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा स्वर्गीय पिताजी को संतान चाहिए। उसका एकलौता पुत्र का जैसा संतान, इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को रचाया और उसके द्वारा कितना सारा संतान उसको मिलने वाले थे। तो भाई बहनों, ये हम भूल जाएंगे और दुर्भाग्य यही है, दुखी बात यही है कि बहुत मसीह लोग और पास्टर लोग भी ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का पहला उद्देश्य ये है कि उसका संतान, उसका एकलौता पुत्र का जैसा, उसका चरित्र और स्वभाव के समान बने। तो पहला सेवक ही नहीं आते, पहला हमारा स्वभाव और चरित्र का बदलाव। चरित्र और स्वभाव बदला नहीं, हमारा नया जन्म नहीं हुआ और हमारा परिवर्तन नहीं हुआ तो हम कभी उसका सेवक ही नहीं कर सकते। ये लोग भूल जाते हैं। दुख की बात है कि आज बहुत सारा कई लोग विश्वासी होने दो, पास्टर होने दो, उनका उद्धार भी नहीं हुआ, उनका नया जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन पहला आगे आते हैं सेवकाई करने के लिए, जब भी उनका चरित्र और स्वभाव प्रभु यीशु का जैसा नहीं है। तभी क्या होता है कि ऐसा लोग प्रभु यीशु का समय फरीसी शास्त्री ये लोग थे और ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना भी नहीं, उसको स्वीकार भी नहीं किया। उल्टा ये लोग अब तक दूसरा कोई मसीह के लिए वो ये ढूंढ रहे, उसके लिए इंतजार कर रहे। क्यों? क्यों? उनका उद्धार नहीं हुआ था, नया जन्म नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने हमारा दया किया और ये महान योजना बनाया हमारा उद्धार का, हमारा मुक्ति का, हमारा छुटकारा का, और उसका एकलौता पुत्र को बेचकर हमारा उद्धार का काम उसने पूरा किया। और आज वो चाहता है कि जो ओरिजिनल मूल योजना और उद्देश्य जो आदम और हवा के द्वारा खो गया था वो वापस हमको मिले, मतलब कि हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा बने, हम ऐसा हमारा परिवर्तन हो कि हमारा चरित्र और स्वभाव
प्रभु यीशु का जैसा हो। भाई बहनों, हमारा उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा है, लेकिन मैंने तुमको ये सिखाया, ये विश्वास ईश्वरी प्रकाशन के ओर आधारित होना चाहिए। ईश्वरी प्रकाशन नहीं रहेगा तो वो विश्वास विश्वास ही नहीं है। ऐसा ही विश्वास के द्वारा हमारा नया जन्म होता है और हमको पवित्र आत्मा का दान मिलता है, अभिषेक मिलता है, और ये पवित्र आत्मा बाद में हमारे अंदर एक परिवर्तन का काम करता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा बने, उसका समान बने, उसका चरित्र और स्वभाव। जो दिमाग का विश्वास है, इंटेलेक्चुअल फेथ, ईश्वरीय प्रकाशन का बिना हमको वो फरीसी और शास्त्री लोगों का जैसा ही अंधे बनाएगा। ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना नहीं कि वो आने वाला मसीह है करके, और ये गलत फहमी के द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बहुत कष्ट दिया। इसलिए भाई बहनों, मैंने भी मेरा जीवन का वही उद्देश्य बनाया है, यही मेरा प्रार्थना है, यही मेरा तमन्ना है कि दिन प्रतिदिन मैं प्रभु यीशु का स्वभाव और चरित्र का समान बनूं। मेरा गवाही का शुरुआत में मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं एक पापियों का मैं मुख्य हूं, चीफ ऑफ सिनर्स, जैसा पौलुस खुद को बोलता है। क्यों? मैं भी पहला पौलुस का जैसा एक शिक्षक था, मैं भी एक रोमन कैथोलिक चर्च में एक फादर था, और बहुत सारा गलत शिक्षा मैंने दूसरे लोगों को दिया, लोगों को गलत रीति से मैंने अगुवाई किया। क्यों? मैं खुद सच्चाई नहीं जानता था, तो मेरे वजह बहुत सारा लोग गलत मार्ग में चले गए, तो मैं सब पापियों का सामने मैं मुख्य हूँ, और इसलिए मुझे पौलुस का गवाही बहुत अच्छा लगता है। क्यों? वो खुद का गवाही के बारे में आज वो लिखता है, बोलता है मुझे कभी मैं थकता नहीं हूँ बार बार मेरा गवाही देने के लिए। क्यों? वो जानता है कि गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। तो वो बोलता है, मैं थोड़ा बोस्टिंग करना चाहता हूँ प्रभु में, मैं घमंड करना चाहता हूँ प्रभु में कि कैसा प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया। पहला मैं कितना बड़ा पापी था और कैसा उसने मुझे उसका करीब लाया, शैतान का राज से उसने मुझे परमेश्वर का राज में प्रवेश किया। भाई बहनों, वो बोलता है कि मुझे शरीर के ऊपर कोई
कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा नहीं है, याव नहीं है, फिर भी वो बोलता है शरीर में वो क्या था, इब्रानी था, बहुत पढ़ाई किया था, बहुत काम किया उसने, उसका हिसाब से ना जानते हुए और सबसे ज़्यादा उसने मसीह लोगों को, विश्वासियों को सताया। भाई बहनों, मैंने भी जो किया, हर एक पाप जो किया मैं ना जानते हुए किया, नहीं जानता था, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरा जीवन में कि उसने मुझे बुलाया, चुना, बुलाया और आज वो मेरा इस्तेमाल करते हैं। भाई बहनों, मैं एक बड़ा घराना का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक मेरा माँ का मैं एक इकलौता संतान हूँ और उसका पहले मेरा चचेरा दो भाई है जो अभी गुजर गए हैं, तो मेरा माँ का मैं अकेला संतान हूँ और उन्होंने बहुत मेरा प्रेम किया, मेरा पिताजी और मेरी माँ। क्यों, मैं गोवा का हूँ और बड़ा घर में मैं अकेला जी रहा था, तो पूरा सब लोगों का लक्ष्य मेरे ऊपर था, बहुत लाड किया था, लेकिन मेरा दिल में एक ऐसा एक इच्छा, एक तमन्ना, एक आइडिया, कल्पना आया कि मैं कैथलिक फादर बनूं। तभी मेरा उम्र 9-10 का था, छोटा था, फिर भी जो फादर लोग वहाँ काम करते थे, मुझे ऐसा लगा मुझे भी ऐसा लोगों का सेवा करना है, और इसलिए मैंने वो निर्णय लिया। मेरा माँ बाप बहुत रोते थे और मेरे से विनती करते थे, तू बड़ा होने के बाद हम देखेंगे, तेरे को जाने का है, अभी तू बहुत छोटा है। मैंने ऐसी जीत पकड़ा कि मैंने बोला नहीं, मुझे जाने का ही है। वो ऐसा करके 1956 मैं छोटे सेमिनरी में गया जो सालीगांव में है, बारदेस जिला, गोवा, उत्तर गोवा में। उधर एक बोर्डिंग था, 6 साल निकाला मैंने उधर, छोटा था, 6 साल, लेकिन मेरा दिल में वो एक धुन था कि मुझे फादर बनने गए, मुझे लोगों का सेवा करने गए। बराबर मेरा पढ़ाई किया, बहुत अच्छा पढ़ाई करता था मैं, ऊंचा मार्क्स में अंक आता था और जो मेरा शिक्षक था बहुत खुश थे। ऐसा करके मेरा 6 साल हो गया। उसके बाद मुझे वो ये मिला जो फादर लोग डालते हैं, पोशाक डालते हैं सफ़ेद, वो डाल के मैं बड़ा सेमिनरी में गया जो है राशौल, रायतूर बोलते हैं उसको, वो साउथ गोवा में है, दक्षिण गोवा में है, और वहाँ 7 साल निकला। इसका मतलब मैं कभी मेरा माँ बाप के साथ मैं कभी ज़्यादा समय रहा नहीं, छुट्टी मिलता था 15 दिन का, कभी मे महीने में 1 महीना का। मेरा पूरा जीवन, बचपन और मेरा जवानी उधर गया। सेमिनरी ऐसी चीज़ है जिधर फादर लोगों का ट्रेनिंग होता है, कई लोग उसको मजाक से सेमेट्री बोलते हैं, मतलब शमशान नहीं है ये। 13 साल जो मैंने वहाँ बिताया, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि व्यर्थ क्या गया, बहुत कुछ सीखा मैं, बहुत मुझे ट्रेनिंग मिला,
बहुत अनुशासन सीखा। जैसा एक आर्मी में होता है, फौज में होता है वैसा। इसलिए तुम देख रहे हैं मैं कितना सिस्टमैटिक हूँ, मुझे अनुशासन चाहिए, सब कुछ एक समय व्यवस्थित चाहिए। एक समय मैं दरवाज़ा बंद करता था, लोग टाइम पर नहीं आएगा तो क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु का जो शिष्य है ये लोग पंक्चुअलिटी, टाइम पर आने का, टाइम पर उठने का, टाइम पर प्रार्थना करने का, कोई बीमार है वो अलग बात है, लेकिन हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए ना। तो हमारे द्वारा प्रभु कुछ काम करने के लिए नहीं सकेगा। आलसी लोगों का प्रभु इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो भरपूर सोते हैं, कभी टाइम नहीं है, कभी भी उठते हैं। तो अनुशासन बहुत जरूरी है। हमको प्रभु का शिष्य बनने का है तो प्रभु खुद अनुशासित व्यक्ति था, और इसके लिए वो कभी कभी सुबह भोर को उठ के प्रार्थना करता था। तो ये सब जो हैबिट्स है, आदत है, अच्छी आदत है। तो भाई बहनों, 13 साल मैंने ऐसा निकाला। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। शायद कई चीज़ जो सीखा सही नहीं था, अभी मालूम पड़ा, लेकिन फिलॉसफी सीखा मैं, तत्व ज्ञान सीखा। इसके द्वारा मेरा मन तर्क के द्वारा चलता है, कैसा सिखाने का, कैसा लिखने का, ये सब उसको तत्व ज्ञान बोलते हैं, कैसा सोचने का, सोच विचार। तो अच्छा चीज़ सीखा, यूनानी भाषा मैं उधर सीखा और इब्रानी भाषा मैं वहाँ सीखा, गाना करने के लिए सीखा, वायलिन बजाने के लिए सीखा, कीबोर्ड बजाने के लिए सीखा। वहाँ मैं गायन मंडली का डायरेक्टर था और जो ऑर्केस्ट्रा है उसका भी डायरेक्टर था। सब बहुत सारा अच्छा चीज़ हुआ उधर। तो आज मैं हूँ, जरूर वो ट्रेनिंग का प्रभाव जरूर मेरा अंदर है। और उसके बाद 1 साल फादर होने के बाद, फादर का दीक्षा अभिषेक मिलने के बाद, और 1 साल मैंने ओल्ड गोवा, तुमने सुना होगा ओल्ड गोवा, जिधर वो एक फ्रांसिस जेवियर करके उसका एक शव है, लोग जाते हैं उधर, वहाँ मैंने 1 साल बिताया। और वो बाजिलिका में मैंने सेवकाई किया, फादर करके मीसा ये सब कुछ किया। ठीक है, तो भाई बहनों, उसके बाद मेरा कमज़ोर स्वेट हेल्थ सेहत के लिए मुझे बॉम्बे आना पड़ा, मुंबई आना पड़ा, क्यों मुझे थोड़ा इलाज करने का था। और उसके द्वारा मैं गोवा में काम करने के बाद अलग अलग कलीसिया में, मैं बॉम्बे में बहुत कलीसिया में मैंने ये किया, सेवकाई किया, जैसा धोबी तलाव, जैसा सेंट क्रूज, जैसा महीम और आंत में बरेवली। 15 साल वहाँ बीत गया, लेकिन मुझे ज़्यादा प्रभु का वचन तभी नहीं आता था। मैं प्रचार करता था, लेकिन प्रचार करते करते मैं प्रभु का वचन सीखता था। और वहाँ कई चीज़ मुझे ऐसा मालूम पड़ा जो कैथलिक चर्च जो विश्वास करते हैं, सिखाते हैं, वो करते हैं, उनका 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 रीति रिवाज और उनका शिक्षा वचन के अनुसार नहीं था। तभी मेरा मन में बहुत सारा सवाल उठने के लिए शुरू हुआ, और मौन मन दिल बहुत बेचैन हुआ। तो मैं बहुत प्रार्थना करता था और पढ़ाई करता था,
शॉर्ट में वहाँ बहुत सारा मूर्ति पूजा चलते है, लोग जाके एक जो मट्टी का जो मूर्ति है उसके पास से झुकते हैं, जाके उसका चुंबन लेते हैं, किस करते हैं और मेनबत्ती लगाते हैं जैसा हिंदू लोग लगाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा वो, लेकिन मैं करता था कि वो मेरा एक काम है। वो बाद में दूसरा चीज़ जैसा था, वो मरियम को ये लोगों ने देवी बनाया था, बहुत यीशु को भूल गया था लेकिन मरियम को, उसका पीछे जाते थे, सब कुछ उसको प्रार्थना करते थे। बाद में ये फादर का जो पद है, प्रिस्टहुड, जिसको हम याजक बोलते हैं, ये याजक का पद, फादर, वहाँ प्रभु का वचन में है ही नहीं। जो याजक का पद है वो सब मसीह लोगों का है, कोई स्पेशल लोगों का नहीं है। पत्रस उसको बोलता है रॉयल प्रिस्टहुड, सब मसीह लोग राज के याजक है। तो ये सब, मैं बोलता था मैं क्या याजक हूँ, मैं क्या फादर हूँ, जब ही सब लोग फादर बनना चाहिए, सब लोग याजक बनना चाहिए, सब लोग प्रीस्ट बनना चाहिए। तो ये सब कुछ मेरा मन में चल रहा था और मुझे बहुत निराशा आ गया। और एक था कि मैं प्रचार करने में, एक मेरा दान है जो प्रभु ने मुझे दिया, और ये दान के द्वारा मैं बहुत लोगों को सिखाता था कैसा जीवन जीना है, क्या सही है क्या गलत है, जितना मुझे तभी समझा और जानता था। लोग बहुत खुश होता था मेरा प्रचार में, मेरा संदेश में, बहुत सारे लोग भाग भाग के आते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। और मेरा ही जो ये है मास है, मिसा है और सभा है, उसमें आते थे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा, किसी का जीवन नहीं बदलता था और मेरा जीवन भी नहीं बदलता था, तो मुझे बहुत बेचैनी होता था कि क्या है, क्यों ऐसा है। मेरा दिल में एक सिंसेरिटी था, ईमानदारी था कि मैं, प्रामाणिकता था कि मैं अच्छा फादर बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा जीवन बदले, कि अच्छा काम करे। लेकिन संघर्ष बहुत बड़ा था, तो उस समय मैं प्रार्थना करने के लगा। और ये जो सीनियर फादर लोग है उनका भी मैंने ये लिया, सलाह लिया। लेकिन मेरा जो सवाल थे और डाउट्स थे, शक थे, ये क्लियर नहीं हुआ। ऐसा संघर्ष करते 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 बहुत साल हो गया, बहुत साल मेरा सेवकाई चल रहा था, सब लोग खुश थे। लास्ट में ये नंस का कॉन्वेंट में भी काम किया मैंने, ये लोग भी खुश थे। हर एक कलीसिया में मैं संगीत मंडली, गायन मंडली में ये करता था, सब लोग खुश थे, लेकिन मैं खुश नहीं था। क्यों? मेरे अंदर एक एम्प्टीनेस, खालीपन था। और उसके लिए यूहन्ना 8:32 बोलता है, यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। जॉन 8:32, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। तो मैं सत्य का, सच्चाई का पीछा करने के लिए शुरू किया और प्रार्थना है, प्रभु मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, क्या सही है। मेरा मन में कभी ये नहीं था कि मैं कैथोलिक चर्च छोड़ देगा, ये मेरा मन में कभी नहीं आया। लेकिन मैं जानना चाहता था इसका हल क्या है, इसका सलूशन क्या है, क्या करना है।
लेकिन मुझे लगा कि जब भी मैं फादर का जो काम है सही मन से नहीं कर सकता हूं तो वहां रह के क्या फायदा है। तभी मैंने ये एक निर्णय लिया और अधिकारियों का परवानगी लिया कि मैं थोड़ा संसार देखेगा। तो मैं एक नौकरी पकड़ा थाना में, WG फोर्ज वायमन गार्डन, वहाँ मैं एक पर्सनल डिपार्टमेंट में एक काउंसलर था जो लेबर लोगों को, कामदार लोगों को मार्गदर्शन करता है, उनको सलाह देता है। कुछ बदला नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मैं फ्रॉम फ्राइंग पैन टू द फायर, तवे से आग में पहुंच, फ्राइंग पैन तवा से मैं आग में गिर गया, ऐसा मुझे लगा। कोई ये नहीं था, शांति नहीं था और आनंद नहीं था। मैं रो रहा था, हर दिन रो रहा था, प्रार्थना करता, प्रभु मुझे छुटकारा दो, मुझे आपका इच्छा क्या है बताओ, क्या करूं, क्या कदम उठाऊं, कुछ नहीं समझता था। फादर का पद छोड़ने के लिए डर लगता था, मैं कांपता था, कैसा कर सकता हूं मैं। एक साल के बाद प्रभु ने मेरा प्रार्थना का उत्तर दिया। अचानक मुझे सऊदी अरेबिया से गल्फ, वहां से एक निमंत्रण आया। मैंने अप्लाई भी नहीं किया वो नौकरी के लिए, लेकिन ये लोगों ने मुझे बताया कि तुझे यहाँ एक नौकरी उपलब्ध है। मुझे लगता है मेरा एक दोस्त था और उसने, उसका जो मैनेजर है उसको बोला कि, मैनेजर ये मेरा दोस्त के साथ बहुत खुश था तो उसने उसको बोला, तेरा जैसा दूसरा कोई व्यक्ति है तो, दोस्त है तो उसको बुलाओ। तो उसने तुरंत मेरे बारे में सोचा और मुझे बुलाया। तो एक हफ्ते के अंदर मैं फ्लाई हो गया रियाद। भाई बहनों, तभी मुझे याद आया कि प्रभु ने पौलुस को भी वहाँ ही सऊदी अरेबिया में बुलाया था। और वो कितना साल था प्रभु के साथ? 3 साल। 3 साल उसने उसको सिखाया। भाई बहनों, एक बहुत बड़ा चमत्कार था मेरा जीवन में। खुश हो गया। मैंने बोला, अभी ठीक है, थोड़ा पैसा तो कमाएगा, और तो कुछ नहीं होते, पैसा तो कमाएगा, बहुत अमीर आदमी बन जाएगा, अभी संसारी मन आ गया। मैं बोला चलो देखेंगे। और लेकिन एक दिन क्या हो गया, वहाँ मेरा अमेरिकन दोस्त थे, उनमें से एक जान ने मुझे पूछा कि हमारा एक मीटिंग चलता है प्रार्थना सभा, तो क्यों नहीं आता है। मैंने बोला ठीक है, क्यों, दूसरा कोई प्रार्थना सभा नहीं चलता था और मुझे कोई मौका नहीं मिलता था। अभी मैं एक समय फादर था, हर दिन मिसा चलाता था, अभी कुछ नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आऊँगा। तो वो बेचारा मेरा जो ये था, क्या बोलते है, हमारा कैंप था, कैंप वो शहर से बहुत दूर था, वो उसका गाड़ी लेकर आता था मुझे लेने के लिए। देखो भाई बहनों, जब भी हमको कोई एक आत्मा का उदार करना है, ऐसा हम पीछा करने गए, कष्ट उठाने गए, वो कष्ट उतारता था मेरे लिए, प्रार्थना करता था।
और हर बुधवार को लगता है मुझे वो मीटिंग था, वहाँ आता था और मीटिंग को लेके आता था, बाद में मुझे उसका घर पे लेके जाता था, मुझे अच्छा खाना देता था और बाद में मुझे मेरा कैंप में पहुँचा देता था। तो ऐसा करके मुझे एक टाइम पास होता था, अच्छा होता था, लगता था ना, तो हमेशा कैंप में रहने गए तो थोड़ा बाहर आने के लिए थोड़ा। तो ऐसा करके भाई बहनों मुझे लगता है 6 महीना मैंने वो ये प्रार्थना सभा अटेंड किया गया मैं। और ये लोग प्रोटेस्टेंट थे, ये लोग प्रोटेस्टेंट कैरिज्मेटिक्स थे, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना, और मैं गायक हूँ, मुझे संगीत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश होता था उनका, बहुत मुझे मज़ा आता था। उनका जो संदेश था वो भी अच्छा था, क्यों, मैं फादर हूँ तो मैं जानता था कैसा है क्या है, तो अच्छा था, तो मैं बैठ के सुनता था। लेकिन मुझे कोई इच्छा नहीं था उनका इसमें ज्वाइन होने के लिए, शामिल होने के लिए। 6 महीने के बाद उन्हें मुझे बुलाया और बिठाया और मुझे सुसमाचार दिया। उन्होंने बोला, फादर तेरा नया जन्म हुआ है क्या? मैंने बोला, ये चीज़ क्या है नया जन्म, कभी सुना नहीं है। तो जैसा निकोडिमस का और प्रभु का डायलॉग हो गए, एक बातचीत हुआ, तो इन्होंने पूछा, तो फादर है फिर भी नया जन्म किया है मालूम नहीं है? मैंने बोला, मालूम नहीं है, सॉरी, मुझे क्षमा करो, हमारा किधर फादर लोगों का नया जन्म होता है, कभी सुना ही नहीं। तो उन्होंने योहन्ना 3 जो मैंने तुमको सिखाया वो उन्होंने खुला किया, पढ़ा और वहाँ था, जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा तुम परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकते, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, तुम्हारा नया जन्म होना आवश्यक है। भाई बहनों, ये नया जन्म का बात जो मैं तुमको बोल रहा हूँ वो पहले मैंने सुना है 1981-82 में, पहला मैंने सुना था। और उन्होंने पूछा, आपको नया जन्म पाने का है? तो मैंने सीधा उनको बोला, प्रभु बोलता है नया जन्म पाना आवश्यक है, और नया जन्म नहीं पाएगा तो स्वर्गीय राज में तुमको प्रवेश नहीं, प्रभु खुद बोलता है, तो मेरा सामने और कुछ चुनाव है क्या, कोई ऑप्शन है क्या? भाई बहनों, मुझको तुमको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि उस समय मैंने तुरंत प्रभु का अनुग्रह से मैंने हाँ बोला, मैंने हाँ बोला, मैंने प्रार्थना किया, मैंने मेरा पाप का क्षमा मांगा, मैंने मेरा जीवन का समर्पण किया उस समय 1982, 81, 82। आज तक मैं एक गवाह हूँ परमेश्वर का, विश्वास योग्यता का। भाई बहनों, मैं तुमको एक चीज बोलता हूं कि परमेश्वर ने मुझे सऊदी अरेबिया में पैसा कमाने के लिए नहीं बुलाया था, सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्धार होने के लिए, परमेश्वर को महिमा हो। मैंने और कुछ सोचा था, संसारी बातें, संसारी सोच विचार, लेकिन परमेश्वर ने मेरे बारे में अच्छा सोचा था। क्यों भाई बहनों, हम कैथलिक लोग ना, और कैथलिक फादर बहुत जिद्दी है, हम कभी कैथलिक चर्च नहीं छोड़ने वाले हैं, हम किसी का खून भी करेंगे लेकिन कैथलिक चर्च नहीं छोड़ेंगे। ऐसा जिद्दी आदमी को मुंबई में कभी उदार हो सकता है क्या? सिर्फ मर्डर हो सकता है,
उधार नहीं होते। इसलिए प्रभु ने मुझे मुंबई से निकालना पड़ा और एक दूसरा वातावरण, दूसरा मॉल में, माहौल में, सऊदी अरेबिया, जिधर मसीह का नाम ही नहीं ले सकते, कोई कलीसिया ही खुला नहीं कर सकते, सब कुछ अंडरग्राउंड चलता है, चुपके चुपके चुपके, वहां लेके गया मुझे। और वहां मैं निसहायक था, हेल्पलेस, कुछ नहीं था, चर्च नहीं है, मास नहीं है, कैथलिक कुछ नहीं था, कम्युनियन नहीं था, प्रभु भोज नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसा प्रभु ने मुझे तैयार किया ताकि मैं तुरंत हाँ बोल सकूं, ये उसका अनुग्रह है। तो उस समय जब ये प्रार्थना किया भाई बहनों, मेरा अनुभव बहुत चमत्कारी अनुभव था। मुझे लगा मैं ये दुनिया में नहीं हूँ, प्रभु ने मुझे उठाया है ऊपर। इतना मेरा अंदर आनंद था, धुन था, एक ऐसा एक जोश था, एक आग था। भाई बहनों, आज तक वो धुन और आग मेरे अंदर है, प्रभु को धन्यवाद। भाई बहनों, उसके बाद ये अमेरिकन लोगों ने बहुत सारा योजना बनाया मेरे, और बोला हम तुझे अमेरिका में लेके जाएंगे और वहाँ एक सेमिनरी है, बहुत अच्छा सेमिनरी है, तू वहाँ और आगे पढ़ाई करो, अभी प्रोटेस्टेंट का थोड़ा पढ़ाई करो, अच्छा रहेगा, और तू बाद में प्रभु का सेवा करो। लेकिन तभी तो उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया मेरे लिए और बैंक में डाला, लेकिन थोड़ा पैसा मुझे भरने का था, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं। वो इतना उधर शिक्षण बहुत महंगा है, तो मैंने बोला ठीक है, प्रभु का इच्छा है तो और कभी मैं कुछ करेगा। लेकिन प्रभु ने मुझे और सेमिनारी में जाने के लिए मौका दिया ही नहीं, और मैंने ऐसा फैसला लिया कि अभी मेरा नया जन्म होने के बाद मैं इधर रहने का मकसद क्या है। तो मैंने मेरा इस्तीफा दे दिया और मैं सीधा बॉम्बे में आया। भाई बहनों, अभी पूरा मेरा जीवन अलग ही हो गया, सोच विचार बदल गया। तो मैं लेकिन कैथलिक चर्च छोड़ा नहीं, फादर का भी छोड़ा नहीं, मीटिंग को जाने के लिए शुरू किया कैथलिक कैरिज्मेटिक। एक ज़माने में मैं तो बहुत नफरत करता था ये लोगों का, पूरा दिन ताली बजाता है, गाना करते हुए, क्या टाइम वेस्ट करते हैं ये लोग, कुछ काम धंधा नहीं है क्या उनको। लेकिन ये लोग बोरिवली का जो कैथलिक कैरिज्मेटिक थे, बहुत मेरा प्रेम करते थे। क्यों? उनको ये लोग रात का प्रार्थना करते थे और 3 बजे उनका मिसा होता था, मास होता था। वो मास करने के लिए उनको एक फादर मांगता था, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं था, मेरे पास आ गया। और मेरा थोड़ा दिल नरम है, पिघल गया। मैंने बोला ठीक है, मैं करूँगा ये सेक्रीफाइस, बलिदान, तो मुझे 3 बजे लेने के लिए आ जाओ। तो मैंने उधर बहुत ये किया, तो ये लोग बहुत मेरे लिए प्रार्थना करता था कि मेरा उद्धार होना है, ये हो रहा है, उनका तरीका का सब उद्धार जैसा होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ भी वैसा ही था। अभी उसमें गया मैं, जो चीज़ मुझे पहला से अच्छा नहीं लगता था, देखो प्रभु कितना ही हैज़ गॉट सेंस ऑफ ह्यूमर, वही लोगों का के पास मुझे भेजा उनका बीच में, और उनका और मेरा प्रेम हो गया। और तो बॉम्बे आने के बाद भी मैं ऐसा ही मीटिंग को जाने को लगा। भाई बहनों, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये प्रभु की ओर से, मेरे ओर से नहीं। हमेशा याद रखना,
उदार एक परमेश्वर का दान है। वो हमारा दिल देखते हैं। मैं सच्चाई का खोज में लगा, तुमको मैंने बोला पहला कदम क्या है, खोज। खोज जब भी हमारा दिल में एक निराशा है और बेचैनी है, हम खोज में लगना चाहिए। लेकिन ये सिंसेरिटी, ईमानदारी और प्रामाणिकता हमारा अंदर होना चाहिए कि ईमानदारी से प्रामाणिक तौर से हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी प्रभु ने मुझे ये मेरा खोज का आंसर दिया है, जवाब दिया है। और उसके बाद मुझे मैं सोचा अभी नौकरी ढूंढूंगा, अभी तो फादर का नहीं चलता है, नौकरी ढूंढा। एक साल भर तक मुझे नौकरी नहीं मिला, लेकिन चमत्कारी रूप से परमेश्वर ने मुझे एक नौकरी दिया। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में मुझे प्रोफेसर बनने के लिए एक चांस दिया। भाई बहनों, उस समय उस धरन ना, हाँ, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, बोला मैं चाहता हूँ कि तू मेरा सेवकाई करे। मैंने हाथ जोड़ा। ये नौकरी तो बहुत अच्छी थी, क्यों छोड़ूं मैं, नंबर वन। नंबर टू, मैंने बोला देखो, मुझे कैथलिक कलीसिया चलाने के लिए आता है, लेकिन ये बिलीवर विश्वासी लोगों का कलीसिया क्या है मुझे कुछ समझता है नहीं, मैं कैसे चलाऊंगा। मैं थक गया अभी फादर होकर, अभी मुझे ऐसा ही साधारण एक विश्वासी बनने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन जानता है ना परमेश्वर कैसा आग्रह करते है, कैसा जिद पकड़ते है। तो भाई बहनों, कई सालों के बाद मुझे झुकना पड़ा, मैंने परमेश्वर को भी हाँ बोला और एक किंगडम ऑफ गॉड चर्च कलीसिया शुरू हो गया 1986। भाई बहनों, बहुत कष्ट उठाया मैंने, आज 35 साल हो गया, 36 हो गया, बहुत कष्ट उठाया। बहुत लोगों ने मुझे गधारी किया, पहला इंग्लिश में था मेरा ये, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। किसी को सही नया जन्म, सही ये उद्धार किसी को नहीं था। क्यों और क्या हुआ, मैंने पहला ऐसा ही कैरिज्मेटिक जैसा, दूसरे लोगों का जैसा कलीसिया शुरू किया था, लेकिन उसमें मुझे लगा कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ होता ही नहीं, किसी का उद्धार नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। तो मैंने प्रभु को बोला, देखो मैंने तुझे बोला था कि मुझे ये नहीं चाहिए और मैं बंद करना चाहता हूँ। मैंने बोला मेरा क्या स्पेशल है, इधर ये कलीसिया है, ये कलीसिया है, ये कलीसिया है, और मेरा काहे के लिए, सब लोगों को उधर ही जाने दो। तभी प्रभु ने मुझे ये सिखाया, क्या सिखाया कि रोमी 2:1-2 सॉरी रोमी 12:1-2 दो नहीं है 12 हम पढ़ेंगे रोमियो 12:1-2 रोमन्स 12:1-2 सब साथ में। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यह तुम्हारी आत्मिक आराधना है।
इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने हृदय के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। याकूब 4:4 जेम्स 4:4 याकूब 4:4 पढ़ेंगे, सब साथ में। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है? अतः यदि कोई संसार से मित्रता रखना चाहता है तो वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। 1 यूहन्ना 2:15 पढ़ेंगे सब साथ में। संसार से प्रेम न करो और न उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। भाई बहनों, ये अलग अलग वचन के द्वारा प्रभु ने मेरे से बात किया कि ये जो कलीसिया चल रहे है वो संसारी है, ये लोग संसारी मसीह बनाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं तू उनका जैसा अनुकरण करो, उनका अनुकरण करो। मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया, जो कलीसिया मैंने तुझे दिया, वो एक संसार का विरुद्ध, संसार के सदस्य नहीं है, सदृश्य नहीं है और उसका समान नहीं है, लेकिन हम प्रभु यीशु का जैसा समान हो। 1 यूहन्ना 2:15 पढ़ा हम लोगों ने, ओके। तो प्रभु का वचन बोलता है संसार का प्रेम मत करो, संसार में जो बातें हैं, चीज़ें हैं, उनका प्रेम मत करो। तुम संसार का प्रेम करेगा तो परमेश्वर का, पिताजी का प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है। भाई बहनों, ऐसा उसने बात करने के बाद मैंने सोचा अभी हमारा कलीसिया हम अलग दही का कलीसिया बनाएंगे। अलग दही का शिक्षा मैंने शुरू किया, पेंटेकोस्टल हो गया और इंग्लिश जो कलीसिया वो बंद कर दिया, क्यों लोग इतना संसारी थे, उनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो प्रभु ने मुझे बोला तू अभी जाओ किधर, तुर्बेश्वर में। पहला मेरा तुर्बेश्वर शुरू हुआ, तुर्बेश्वर में जाओ, गली गली में जाओ, लोगों को बुलाओ। और प्रभु ने इतना सारा लोगों को इकट्ठा किया और ये लोगों को बाद में ये सब सिखाने के लिए मैं शुरू किया, सब सिखाने के लिए। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है मत्ती 7:13-14 मत्ती 7:13-14 सब साथ में पढ़ेंगे। सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। परंतु छोटा है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। भाई बहनों, ये सब जो वचन है उसका सामने क्या करने का, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सकरा है, दरवाजा सकरा है। और ये आजकल जो मसीह लोगों का जो जो मार्ग है और दरवाजा है वो बहुत चौड़ा है, जिसके जिसमें चलते हुए चलने से कोई जीवन नहीं मिलता है लेकिन मौत मिलता है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इसका एक प्रकाशन मुझे दिया है, तो मुझे ये कठिन है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था जब भी प्रभु यीशु ने मुझे दिखाया। और अभी मेरा कष्ट और बढ़ गया, ये लोग भी जो गली गली से इकट्ठे हुए थे ये भी तैयार नहीं थे,
कई लोग मैं बोलता हूँ करके अर्धा मन से करते थे, लेकिन उनका मन ये नहीं था, सही नहीं था, उनका नया जन्म भी बराबर नहीं होता था। लेकिन मुझे बपतिस्मा देना पड़ता था, कितना सालों से बपतिस्मा नहीं देगा, तो ऐसा करके मेरा बहुत सारा कष्ट बढ़ गया, बहुत सारा लोग छोड़ के गया। एक भाई कलीसिया छोड़ के सब मेरा लोगों को लेके गया, अभी हाल ही में और एक भाई और एक दूसरा कलीसिया हमारा ब्रांच था वो लेके गया। चोरी है, ये चोरी है और गलत है, लेकिन लोग क्यों छोड़ते हैं, क्यों उनको ये जो सकरा मार्ग है उसमें चलने का नहीं है, उनको चौड़ा चाहिए, उनको संसार का भी प्रेम करने गए, प्रभु का भी प्रेम करने गए। ऐसा कभी होता है क्या? शादी में हम हमारा पति का भी प्रेम करते हैं और दूसरा एक बॉयफ्रेंड रखते हैं, और एक हमारा पत्नी रहती है और बाद में हमारा गर्लफ्रेंड रहता है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन आज जो मसीह लोक है उनका उनका सोच विचार ऐसा ही है, उनको यीशु भी चाहिए थोड़ा आशीष पाने के लिए, और उनको संसार भी चाहिए, उनका पूरा मन संसारी है। उनको ये जो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनने का है और नया जन्म और स्वर्ग का बातें, प्रभु का वचन बोलता है तुम्हारा आंखें ऊपर लगाओ, स्वर्ग के वाला लगाओ, उनका तो आंखें हमेशा नीचे ही है। भाई बहनों, ऐसा करके बहुत सारा फूटा गया, लेकिन मैं एक मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु का महिमा हो, उसका अनुग्रह के लिए प्रभु ने मैंने आज तक खड़ा रखा। मैंने बोला जिनको नहीं चाहिए अब जा सकते हैं, तुमको नरक में जाने का है, प्रभु का वचन बोलता है जो चौड़ा मार्ग में चलते हैं ये लोग विनाश हो जाएंगे, विनाश होना चाहते। मैं किसी को पकड़ कर नहीं रख सकता हूँ, पकड़ के। भाई बहनों, कोई हमारा कलीसिया का सही जिसका नया जन्म हुआ वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ये मैं जानता हूँ कि नया जन्म पाने के लिए हमको स्वर्गीय प्रकाशन का जरूरी है, जिसके द्वारा हमारे अंदर एक सही विश्वास आता है, सही समर्पण होता है, सही त्यागीकरण होता है, सही पश्चाताप होता है। भाई बहनों, ये तुमको मैंने सिखाया, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसा कोई एक लड़की का प्रेम में गिरेगा तो उसको शादी करने के लिए 15 साल नहीं लगते, उसी समय शादी करने के लिए तैयार है। भाई बहनों, हमारा प्रॉब्लम समस्या ये है कि हम कभी परमेश्वर को ढूंढते नहीं हैं, हमको कभी उसका एक ईश्वरीय प्रकाशन नहीं मिलता है, उसके साथ हमारा मुलाकात नहीं होता है, इसके लिए हमारा विश्वास भी खोटा है, गलत है, हमारा पश्चाताप भी गलत है, हमारा समर्पण भी गलत है, सब कुछ गलत है। कैसा नया जन्म पाएंगे? नया जन्म नहीं पाएगा तो हमको पवित्र आत्मा कैसा मिलेगा? ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारा परिवर्तन होता है, हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा बन जाते हैं, उसका स्वभाव, उसका चरित्र। तो भाई बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे मदद किया, आज तक ये कलीसिया चल रहे है, और ये कलीसिया के द्वारा बहुत लोगों को उनका आत्मिक भलाई हुआ है, और प्रभु हमको और मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। कष्ट है, समस्या है, फिर भी वो हमको एक प्रोत्साहन करता है और हमको हमारा विश्वास और मजबूत करता है। भाई बहनों, लास्ट में आज जो हमारा देश का स्वतंत्र दिन है उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। गलती 5:1-5:13 Galatians 5:1-13 Galatians 5:1-13 पढ़ेंगे सब साथ में। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है,
इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जूतो। पद 13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। इस स्वतंत्रता को शारीरिक इच्छा पूर्ण करने का साधन न बनाओ, परंतु प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। देखो भाई बहनों, आज हमारा देश का स्वतंत्रता है, लेकिन क्या स्वतंत्रता? ये एक पॉलिटिकल स्वतंत्रता है, जिसको हम ये बोलते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता है। लेकिन हमारा लोग स्वतंत्र है क्या? नहीं है। आज उनको इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, इकोनॉमिक बोलते हैं आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। हमारा लोग गरीब है। और दूसरा, सब जो स्वतंत्रता है किधर है हमारे लोगों को? लोगों को बेचारे सिर्फ वोट डालने के लिए बोलते हैं, और बाद में ये जो नेता है उनको जो चाहिए करते हैं, लूटते हैं, खुद का पैसा बनाते हैं, चोरी करते हैं, कई लोग खूनी हैं, इसको स्वतंत्र बोलते हैं? मतलब लोगों को अभी समझ गया, ये लोगों ने जो विदेशी लोग थे गोरा कात का, उनको लात मारा, क्यों ये चोरी करते थे, और उनका जगह अभी ये लोग चोरी करते हैं। कौन? भारतीय, इंडियन लोग अभी ये चोरी करते हैं। लोगों का क्या होते? ऐसा हमारा सरकार चल रहा है, तो ये सही स्वतंत्रता नहीं है भाई बहनों। सही स्वतंत्रता क्या है? तो प्रभु का वचन बोलता है सही स्वतंत्रता हमको पाप से स्वतंत्रता दे, आज़ादी देता है, पाप से। ये सही स्वतंत्र आज़ादी है। आज भाई बहनों, हमारा देश को ये 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 स्वतंत्रता, ये आज़ादी पाप से आज़ादी नहीं मिला, इसलिए उसका दशा और हालत इतना बेकार है भाई बहनों, इतना बेकार है। कई लोगों को ये नहीं समझता है, ये नहीं समझता है। हम अब भी शैतान का गुलामी में है, पाप का गुलामी में है। और 5:13 बोलते हैं तुम ये ऐसा तुम्हारा आज़ादी का गलत इस्तेमाल मत करो। लेकिन आज़ादी का कैसा सही इस्तेमाल करने का है? एक दूसरा का प्रेम करो, एक दूसरा का सेवा करो। भाई बहनों, एक चीज़ मैं तुमको बोलना चाहता हूँ, पूरा भारत देश का लोग जो सही विश्वासी है, नया जन्म पाए हुए लोग है, उनका इंतजार कर रहे हैं। उनको कौन देगा आज़ादी? उनको कौन आज़ादी का सुसमाचार कौन देगा कि एक एक मौका है, एक चांस है, हम पाप का जो बंधन है और गुलामी है उसमें से छुटकारा मिल सकता है प्रभु यीशु के द्वारा, ये कौन बताएगा? दुर्भाग्य ये है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आज लोग स्वार्थक है, वो गलत सुसमाचार प्रचार करते हैं। लोग आज बहुत सारा लोग मसीह बनते हैं, लेकिन क्या मसीह है? दिमाग का मसीह, दिल का नहीं। उनको प्रभु यीशु का जैसा बनने का नहीं है, उनको प्रभु यीशु से सिर्फ आशीष चाहिए, आशीषें चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा अच्छा उन्नति चाहिए। भाई बहनों, आज इतना सारा भ्रष्टाचार है। क्यों भ्रष्टाचार है? क्यों जिनको परमेश्वर ने बुलाया इस संसार का ज्योति बनने के लिए और पृथ्वी का नमक बनने के लिए, ये लोग है ही नहीं है कि उनका ही उद्धार नहीं हुआ, उनका ही नया जन्म नहीं हुआ? ये लोग, उनका प्रभाव क्या हो जाएगा ये लोगों के ऊपर? अभी क्लाइमेट चेंज ये बोलते हैं, वातावरण का बदलावत है, ये क्यों ऐसा हुआ है? लोगों का पाप के लिए नहीं है ये, मसीह विश्वासी लोगों का पाप के लिए। ये सब जो ये आ रहे, बाढ़ आ रहे, आग लगा रहे और भूकंप हो रहे, क्यों? पाप का ये सजा है, ये इल्जाम है, अंजाम है पाप का। तो भाई बहनों, नया जन्म पाए हुए विश्वासी लोगों का इतनी जरूरत है आज। हम जब तक पाप से हमको आज़ादी नहीं मिलेगा, हम दूसरे लोगों को क्या सिखाएंगे आज़ादी के बारे में?
सुसमाचार के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा जो आज़ादी मिलता है, हम कैसा सिखाएंगे जब हमको खुद आज़ादी नहीं मिला। आज का मसीह लोग सिर्फ उनको नौकरी का प्रेम है, पैसा कमाने का दिलचस्पी है, उतना ही और कुछ नहीं। चलो एक मेहरबानी से ये लोग रविवार को आएंगे, लेकिन वो उधर ये नहीं होता है, सही आराधना नहीं होता है, सिर्फ गाना होते हैं। भाई बहनों, एक रीति रिवाज जो चल रहे है वो सही प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया नहीं है। ये जो आराधना चल रहा है वो सही आराधना नहीं है, ये रीति रिवाज है, विधिवाद है। इसलिए भाई बहनों, आज हमारा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा लोग खड़ा करना चाहता हूँ भाई बहनों, तुमको ये सिखाना चाहता हूँ ताकि हम जाके लोगों को ये सिखा सकते हैं सही राज का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार, आज़ादी का सुसमाचार हम लोगों को प्रचार करें। भाई बहनों, एक जान लो, तुम जानना चाहता है तुम्हारा नया जन्म हुआ वो नहीं हुआ, और एक पुरावा और एक सबूत मैं देना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो बढ़ने के लिए कितना अंदर जोश है। इसलिए आज हमारा सुसमाचार का काम बराबर नहीं चलता है, क्यों? हमारा खुद नया जन्म नहीं हुआ। जिनका नया जन्म हुआ ये लोग कभी घर पे नहीं बैठेंगे, जाएंगे ये 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 ये, ये, ये स्वार्थता लेकर, ये अच्छी खबर लेकर सब लोगों को। देखो भाई बहनों, कितना लोग अभी ट्रेन में सफ़र करना चाहता है, और अभी 15 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा, ये अच्छा खबर है, और सब लोगों को रेडियो में, टीवी में, इधर उधर सब प्रचार होता है, कितना लोग खुश होता है। भाई बहनों, इससे बढ़कर ये सुसमाचार है, परमेश्वर का राज का सुसमाचार, सुवर्ता, शुभ वर्तमान। और ये प्रचार करने के लिए कौन है? सब लोग बिजी है, काम पर जाते हैं ना, तो बोलते हैं हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। ऐसा अविश्वासी लोगों के द्वारा परमेश्वर उसका राज का सुसमाचार प्रचार करेगा है क्या? लोगों का उद्धार होने वाला है क्या? हमारा इंटरेस्ट सिर्फ पेट का है, पेट भरेगा, हमको पैसा चाहिए पेट भरने के लिए। भाई बहनों, हम सही रीति से प्रभु के वचन के अनुसार जिएंगे, प्रभु हमारा पेट के ऊपर लात कभी नहीं मारेगा, पेट का वो बंदोबस्त करेगा। उसने बोला है, चिड़ियों को देखो क्यों रोते हैं तुम लोग, ये अन्य जातियों का लोग जो जो अविश्वासी लोग है, ये लोग सोचते हैं, तुम तुम्हारा एक पिताजी है जो तुम्हारा तुम्हारा ख्याल करते हैं। भाई बहनों, ये हमारा मन होना चाहिए। भाई बहनों, प्रभु ने आज मुझे खड़ा किया और मैं और लोगों को खड़ा करना चाहता हूँ। आप जैसा पौलुस बोलता है, तुम मेरा अनुकरण करो। एक कलीसिया चलाने के लिए प्रभु मुझे कितना समय रखेगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम दुनियादारी लोग बनेंगे जिनको सिर्फ दुनिया का इंटरेस्ट है, परमेश्वर का राज का और उसका सुसमाचार का कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या मसीह लोग है, तुमको नहीं लगता है हम हिंदू होते थे और अच्छा होता था और मुसलमान बनते? मसीह बनने गए, प्रभु यीशु का शिष्य बनने गए, तो सही शिष्य बनने गए। जय मसीह की। भाई बहनों, ये मेरा आज प्रभु को मैं धन्यवाद भी देता हूँ और ये प्रार्थना भी करता हूँ, प्रभु मेरा और इस्तेमाल करो। जिधर मैंने ये किया, मैंने गलतियाँ किया, मुझे माफ़ करो। जिधर मेरा कमजोरी है वो मुझे माफ़ करो, और आप मेरा शक्ति है, समर्थ है, और आपका समर्थ से मैं जीना चाहता हूँ और ये कलीसिया चलाना चाहता हूँ, मुझे मदद करो। भाई बहनों, आप भी मेरे साथ प्रभु को धन्यवाद दो, मेरे लिए प्रार्थना करो। एक चीज़ मैं भूल गया कि प्रभु ने मुझे एक अच्छा बीवी दिया, जिसने मुझे हमेशा शुरुआत से आज तक उसने मुझे समर्थन दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज तक हम साथ में हैं, साथ में हम बपतिस्मा लिया, साथ में हम सेवकाई करते हैं, और वैसा ही प्रभु हमको साथ में रखना और ये प्रभु का काम आगे
बढ़ना। जय मसीह की, शालोम। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आज का संदेश के लिए। प्रभु, मेरा दिल से मैंने ये प्रचार किया आपका महिमा के लिए। प्रभु, जो सच्चाई है, जो महान काम आपने मेरा जीवन में किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ना तो मेरा जीवन में एक कभी ऐसा नहीं हो सकता था। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे चुना, आपने मेरा जीवन बदल दिया, आपने मुझे ये विश्वास का दान दिया और उद्धार का दान दिया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु, ये कलीसिया के ऊपर आप आशीर्वाद दो। प्रभु, जो लोग आपने मुझे दिया है उनका सेवा करने के लिए, उनके ऊपर आप आशीर्वाद दो प्रभु, और उनको बचाओ प्रभु। हर एक जो ये शैतान का जो ये परीक्षा है, उसमें से उनको बचाओ प्रभु। जो लोगों को ये जीवन जीने के लिए कठिन लगता है प्रभु, उनको प्रभु आप ईश्वरी एक प्रकाशन उनको दे दो प्रभु। आपका अनुग्रह से उनको भर देना प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके और दे दो प्रभु, ताकि ये निराशा में कली से छोड़ के ना जाए, बल्कि ये लोग सही उदार का काम उनका जीवन में करे प्रभु का मदद से, पवित्र आत्मा का शक्ति से। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं हमारा देश के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सही स्वर्थ कब तैयार करो प्रभु। हमारा अंदर भी एक इच्छा डालो प्रभु, कि सब कुछ छोड़ के ये सुसमाचार का काम हम करने के लिए खड़े रहेंगे, तैयार हो जाएंगे प्रभु। क्यों, ये अंतिम दिन है प्रभु यीशु, तू आने वाला है आपका जो दुल्हन है उसको उठाने के लिए प्रभु। प्रभु, हम आपका दुल्हन बनना चाहते हैं, हम विश्वासों की शिष्य बनना चाहते हैं, आपका विश्वासों की सेवक और सुवर्तक बनना चाहते हैं। मदद करो प्रभु, ये कलीसिया के ऊपर आशीर्वाद दो प्रभु। सब लोगों को मजबूत करो प्रभु, उनका विश्वास में प्रभु। हालेलुया। और आपका प्रेम से हमको भर देना, पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य हमारे अंदर देना। आपने ये प्रार्थना सुन लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन।